गदर 2 एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ कोर्ट में जारी हुआ वारंट। 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का है पूरा मामला। बॉलीवुड के खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों काफी लाइमलाइट में है। एक्ट्रेस काफी टाइम से फिल्मी दुनिया से दूर थी, लेकिन अब वह अपना कमबैक कर चुकी है। इन दिनों वह फिल्म गदर 2 की शूटिंग कर रही है। लेकिन इसी बीच अमीषा पटेल का एक पुराना विवाद सुर्खियों में आ चुका है। अमीषा के खिलाफ 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है और इस केस में अब अमीषा पटेल और भी ज्यादा फंस चुकी है। रांची की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ वारंट इशू कर दिया है, साथ ही उन्हें कोर्ट पेश होने का आदेश भी किया गया है। दरअसल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस के खिलाफ 2.5 करोड़ के चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले पर रांची के सिविल कोर्ट ने सुनवाई की है, लेकिन इस दौरान अमीषा और उनके वकील तारीख पर नहीं पहुंचे। इसी वजह से कोर्ट ने अमीषा पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक वारंट जारी कर दिया है और एक्ट्रेस को अगली सुनवाई पर पेश होने की बात भी कही है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होने वाली है। आपको बता दें कि ये मामला साल 2012 का है। रांची के एक बिजनेसमैन अजय कुमार ने फिल्म देसी मैजिक बनाने की चाह में अमीषा के अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए डाले थे। इस फिल्म की शूटिंग कुछ टाइम के अंदर ही शुरू होने वाली थी, लेकिन फिल्म का काम आज तक फ्लोर पर नहीं आया और जब अजय कुमार ने अपने पैसे अमीषा पटेल और उनके पार्टनर से वापस मांगे तो उन्हें दिलासा ही दिया गया। इस दौरान उन्हें ये भी कहा गया कि अगर फिल्म बन गई तो उनके पैसे और ब्याज दोनों मिल जाएंगे। हालांकि बात ज्यादा बढ़ने पर अमीषा पटेल द्वारा अजय कुमार को 2 करोड़ का चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया। इसी वजह से हार कर अजय कुमार ने कोर्ट में केस भी दर्ज करवा दिया है। तो आपका इस पूरी अपडेट पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।